सारी चीजें आ गई ना, तैयारी होगी ना सब? जी सब तैयार है, सब कीर्तन के लिए जा रहे हैं जी। सवेरे सवेरे वाहे गुरु के यहाँ मत्था टेकने जाना, सब ठीक ही होगा जी। हाँ प्रसाद। हेलो जी, प्रसाद भी आ गया। मैं शाना को लेकर आती हूँ। अरे माहियों से सोने दो ना, जाते वक्त ले जाएंगे। शब्द पुत्र माफ करना जी, क्या मैं अपनी माही के मायके में कदम रख सकता हूँ? माफ कर दीजिए, मैं अपनी बीवी को ढूंढने आया। प्लीज मुझे अपनी माही से मिलवा दीजिए। मुझे माही माही मैं माफी चाहता हूं जी, अगर माही आपसे मिलना नहीं चाहती बेहतर यही होगा कि आप यहां से चले जाओ। कहां जाऊंगा मैं सुखी? हाँ कहां जाऊंगा मेरे भाई, मेरी माही से मिलवा दो। अब मेरी जिंदगी भी इस कांच की तरह पूरी तरह से टूट चुकी है। अगर कोई इंसान इसे समेट सकता है ना तो वो सिर्फ माही। इसमें माही माही मुझे माफ कर दो। आज तो माता रानी ने हमारे घर में खुशी बरसाई है। तुम दोनों को इकट्ठा देखकर मेरा दिल बहुत खुश है। शब्द सरीन यही रहता है? हाँ बोलो। अरे 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 क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे कौन हो तुम लोग? निकलो मेरे घर से। तुम्हारा घर कौन सा? तुम्हारा घर नीलामी के बाद मिस्टर आदित्य धनराज का है ये घर, और उन्होंने ही हमको ये घर खाली कराने का ऑर्डर दिया है। शब्द ऐसा नहीं हो सकता, मेरी आदित्य जी से बात हुई थी, वो हमें इस घर से नहीं निकालेंगे। मैं अभी उनसे फोन पर बात करती हूँ। हेलो आदित्य जी है क्या? अब्रॉड कर, मैं दूसरे नंबर पे ट्राई करती हूँ। रहने दो भाई। शब्द मुझे एक बार उनसे बात करने दीजिए, जरूर कोई गलत फहमी हुई है। मैं नहीं माई, कोई गलत फहमी नहीं हुई है, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसने मुझे कहा था कि वो मुझे बुरे से बुरे हालात दिखाएगा, और वो वही कर रहा है। तुम्हीं ने कहा था ना, जितनी चादर उतने ही पैर फैलाओ। अब इस घर में रहने की औकात ही नहीं है हमारी माही। औकात नहीं है तो इस घर में रहने की तुमने जरूरत कैसे की? निकलो यहां से। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ ये घर आदित्य धनराज का है, हमारे गिरेबान नहीं।